Alright my name is Amar jyot and uh, I'm talking to you uh, your name is Asad Asad Yes sir my name is Asad Asad and you are in Spain I think Yes sir I'm in yes. Spain Barcelona Good uh, go ahead uh, what's what's going on what's your question and uh, what is your problem Well first of all it's my pleasure to talking with you because uh, a long time I was trying but there was no way and after the coronavirus happened and everything we stop, you know? So yeah. a long time I was trying to talk with you because I have seen your videos and it was very motivated for me and you help a lot of people through your video calls without any charges and everything. So it's like the way like you people you help the people like 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 without any interest. So that's a good thing. First of all I want to appreciate it and it's a pleasure for me to talk with you. So, so I have to ask you a few oh, questions. I have to ask you a few questions okay. before we proceed. Uh, where are you originally from, sir? I am originally from uh, Pakistan. You are from Pakistan. Uh, Pakistan saayu hai kya kiten din kiten saal hoga ye yah par Spain mey raaye? Mujhe ayu like literally more than twelve years. Twelve years hoga ye. Spain mey hi raaye hai ke kahin aur bhi raaye hai. Iske alawa ke Spain mey hi raay shayegiye twelve years. Just Spain Barcelona, years na me. Jisme actually raar ham. Like, कुछ का पास पास हो सकता है 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 लेकिन मेन सिटी में में अच्छी बात है। और पर स्पेन में आपके पास, uh, Spanish, uh, है या पीआर पीआर है क्या? है? Well, uh, मेरे पास जो ना वो थी पहले परमानेंट बिकॉज़ आई केम लाइक फैमिली प्रोसीजर मेरे डैड ने मुझे था लाइक कार्ड सो आई कार्ड

आई एम एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ रेस्टोरेंट पे वेटर का काम कर रहा हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट टॉप टेन इन बार्सिलोना राइट फ्रंट ऑफ द बीच स्पेनिश रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब जॉब काम करने है? कितने साल हो गए like, करते हुए लाइक मुझे 7 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए स्पैनिश रेस्टोरेंट पे अच्छा तो इसकी कोई आपने कोई ट्रेनिंग या तालीम हासिल करी है कि ऐसे काम पे लग वेल well, मैं काम कर रहा था और थ्रू रेफरेंस ऑफ वन ऑफ माय फैमिली मेंबर मैं गया था

तो क्या मसला क्या है जिंदगी में वहाँ से यूरोप से क्यों निकल के आना चाहते हैं सर so, जो मेरा मेन रीजन है सर आने का वो ये है कि आई हैव जस्ट प्लान टू मूव इन अ कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल आल कुछ लैंग्वेज इंग्लिश हो और पीसफुल कंट्री हो सो आई हैव स्टडीज एंड सर्च अ लॉट एंड इज़ वन ऑफ द पीसफुल कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सो जिसकी बेस पे मैं वहाँ पे मूव बना हूँ दूसरा सेकेंडली वहाँ पे आपके बच्चों का फ्यूचर है

I have been there like two times मैंने वीजा लिया मैं गया था लेकिन मुझे कोई अच्छा इतना खास नहीं नजर आया क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम चल रही है क्रिमिनल पॉइंट थोड़ा ऊपर है सो so, पीसफुल कंट्री होने के बेस पे जो है और कनाडा में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है सो दैट्स व्हाई कनाडा में कभी गए आप आई नेवर हैव बीन देयर मेरे कुछ दोस्त गए थे और मैं भी रिसेंटली प्लान कर रहा था जैसे कि विजिट वीजा लेके तो मैं टोरंटो

और स्टेबिलिटी है।, है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वगैरह वगैरह काफ़ी आपने कहा तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया आपका कहने का आ, पर जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो ईयू EU में यूरोपियन यूनियन में आप रह सकते हैं हर जगह रह सकते हैं आ, तो आप इंग्लैंड में तो इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में भी पीसफुल कंट्री है वहाँ पर भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर क्या वहाँ से ज़्यादा कैनेडा में क्या है Well, uh, अगर मेरे लिए मूव यूके में होना बहुत आसान है क्योंकि यूरोपियन रह like well, यूनियन से आउट हो रहे हैं उनका जो इकोनॉमी स्टैंडर्ड है वो डे बाई डे डाउन जा रहा है जो जॉब वगैरह है उनका वो भी मैंने देखा है कोई वेजिस भी इतनी कोई अच्छी नहीं है लेकिन आपको हार्ड वर्क करने पैसा कमाना है आपने लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना है

आप अगर कनाडा या अमेरिका ऐसी किसी मुल्क में आएंगे तो आपको पूरे इमिग्रेशन के प्रोसेस से निकल के जाना पड़ेगा गुजरना पड़ेगा वो सारे स्टेजेस में जो आपका अभी आपके ईयू पासपोर्ट पे ये आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मन चाहे तो स्विट्ज़रलैंड में फ्रांस में जहाँ पे आपका मन चाहे तो आप रह सकते हैं बगैर किसी पेपर वर्क के बगैर किसी उसके तो ये कि, ये, ये,

आप जैसे लोगों के लिए अभी इस वक्त के अगर आपको पी बनना है एक तो है जिसको कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री वो पॉइंट सिस्टम होता है तो अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे तो उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट सिस्टम है जिसमें अगर जिसके पास एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज है एज है और एक्सपीरियंस है उसके बेस पे पॉइंट्स बनते हैं तो पॉइंट्स आपके शायद बनने वाला आपकी एजुकेशन कितनी है

उसी तो के साथ से आपके पॉइंट्स बनते हैं और आप फ्यूचर में ऑलरेडी कर, कर तो तो टच कर दिया है वो है कि आपकी उम्र छोटी है आपको को, को, कोई पढ़ाई करनी है आपकी ज्यादा पढ़ाई आपने भाव करी भी नहीं है आपको कोई पढ़ाई करनी है पढ़ाई के बेस पे भी आप कोई कनाडा में कोई कोर्स ले सकते हैं जो भी आपका हो जो भी आपको कुछ होटल वोटा यू नो फूड एंड बेवरेज या वेटरिंग जो भी कुछ करना है उसके बारे में आप एक साल दो साल का डिप्लोमा ले सकते हैं और पढ़ाई करने के बाद फिर वहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा मिलेंगे उसके बेस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे आपको जॉब करने का एक एक सहूलियत मिलेगी और फिर तो आप पी बन जाएंगे तो so, दो ही दो ही मेजर तरीके हैं एक तो है आपका एक जॉब ऑफर कहीं से मिल जाए और दूसरा है आप स्टडी के बेस पर मिल जाए और कोई चौथा कोई तरीका नहीं जी जी बिल्कुल वो जो मैंने अपनी स्टडी जो हाई स्कूल की वो मेरे कुछ एग्जाम रहते थे, थे करने वाले मैं मजबूर नहीं कर सका इमरजेंसी में पाकिस्तान चला किसी की so, अभी वो से गया किसी फैमिली वो मुझे एक तो वो मेरे लिए कोई इतनी नहीं है। मतलब हाँ, उसको तो आप, आप वो कर ले पहले क्योंकि जब तक आपकी हाई स्कूल बारहवीं जो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कनाडा ने भी आपको स्टडी वीजा देना नहीं है तो आप मान के चलो कनाडा भी आपको मना कर देगा तो आपके पास अपनी हाई स्कूल होना चाहिए नहीं तो उन्हें बहाना मिल जाएगा कि आप जा अगर आपको करना है तो स्पेन में कर लो आप हाई स्कूल आपको इतनी इतनी दूर धक्के खाने की क्या जरूरत है और उसके बाद छोटे मोटे जो कोर्सेज हैं जो आप जो करने वाले हों पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज हैं वो भी इसके ऑप्शन बहुत यूरोप में हैं तो आपको कैनेडा में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू डोंट सीम लाइक अ स्टूडेंट क्योंकि कैन बी डन इन यूरोप एंड यू आर टू तो स्टूडेंट वीजा का भी मेरे को आपका थोड़ा सा भी इस वक्त आज के दिन में आपका डांवर लग रहा है कि आपका स्टूडेंट वीजा भी लगे नहीं लगेगा लेकिन इन द मीन टाइम है इफ़ यू हैव अ जॉब ऑफर अगर आपके दोस्त जो यार जो जो भी कैनेडा में कहीं रह रहे हैं जो जानते हैं आपको जो आपकी हेल्प कर सकते हैं जिनका कोई रेस्टोरेंट से कोई कोई वाकफियत है कोई तो वहाँ से आपको कोई जॉब ऑफर दे सकते हैं और उसके बेस पे आप वर्क uh, परमिट uh, ले लोगे और आ जाओगे दे इज नो गारंटी इन लाइफ इंक्लूडिंग वीजाज इमिग्रेशन जो कैनेडियन एम्बेसी है uh, मेरे ख्याल कहाँ मेड्रिड में होगी बार्सिलोनो जहाँ पर वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको वीज़ा देना चाहिए नहीं देना चाहिए कोई इसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता कोई influence नहीं कर सकता चाहे कोई कितना भी बोले कि हम पैसे लेके आपको जॉब दिला देंगे, कर देंगे. This is all nonsense. जो करना है आपको अपने बेस पे करो या, हाँ या तो अगर आपकी कोई आ, कोई आ, अपने सर्कल में कोई वाकफ है तो उनसे कहो कि भाई मेरे को जॉब आप करके दो आजकल कोरोना वायरस करके सब कुछ डाउन है टूरिज्म

जब आप जब आप जैसे लोग लिखते हैं कि भाई मेरे को जाना है कैनेडा मेरे को जॉब चाहिए तो वो आपको टारगेट कर रहे हैं कि ये हमारे लिए क्लाइंट हो सकता है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मनी एंड दैट इज इज हाउ इट वो ऐसे देख रहे हैं। बाकी देखिए बहुत बात ये साफ है जो इमिग्रेशन लॉ का सिस्टम है कैनेडा का और आई एम श्योर अमेरिका का भी और यूरोप का कह नहीं सकते इसमें आपको सेवेंटी टू एटी परसेंट जो एप्लीकेशन है इसमें किसी लॉयर की जरूरत नहीं है yeah.

कि आपको ये जॉब का बुला के दे देंगे और जॉब के लिए स्पेशली जो जो आपने वीडियोस हैं जॉब के लिए पैसा चार्ज करना तो गैरकानूनी है लीगल है लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता और ब्लैक मनी चलता है सब कैश में चलता है कोई बाहर नहीं आता इसलिए वो बात दबी रहती है तो इस करके मैं तो मीन आई गए क्योंकि उनका पैसा वो दे रहे थे वो वीडियो देख वो बच गए थैंक यू

वो पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट उनके लिए होगा जो ऑलरेडी जैसे फॉर एग्जाम्पल उस तरह का बिज़नेस यूरोप में कर रहे हैं मसलन कि अगर आप जैसे कोई रेस्टोरेंट चला रहे होते दस पंद्रह साल से और आपके पास तीन चार लाख यूरो होते तो आप कहते जी हमने एक लाख यूरो का एक रेस्टोरेंट खोल देना है टोरटो में जाके हाँ तब जाके ऐसी बात बन सकती थी सो उसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है पैसे की

क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लैंग्वेज कोर्स किए हैं कतलान में हुई है और अभी मैंने उनको प्रजेंट किया अपने डॉक्यूमेंट मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया था कि कोरोना ना आता तो मैं अपनी स्टडी शुरू कर रहा था ना तो इंटेंसिव कोर्स टू से थ्री मंथ्स का आप यहाँ फोर सिक्स मंथ्स का देते हैं थोड़ी थोड़ी क्लासेस लेने होते हैं और आपको आपके हाई स्कूल मतलब जो है ना डिप्लोमा आपको दे देते हैं कि आपकी स्टडी पूरी हो गया सो उसके बाद इधर स्पेन में तो ऐसा अगर आप कर लेते तो आपके पास टू चांसेस हैं अगर आपने डायरेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में किया तो वो आपको बैचलर डिग्री करवाते हैं नहीं तो फिर आपको वो कोई कोर्स आप कर सकते हो जैसा कि कोई भी कोर्स कर सकते हो वो इतना कोई हाई पेड नहीं होता उसकी वो गोमेंट जो होते हैं ना स्कूल बेसिस पे हमारे लिए क्योंकि तो हम इधर के रेजिडेंट हैं तो हमें तो वो हजारों में नहीं सौ यूरोट हंड्रेड या टू थाउजेंड या इतनी फीस होगी जैसा कि आप कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसका चलो दो चार हजार हो जाएगा कोई भी आप कोई बोर्डिंग वगैरह ये वो सो आई वॉज थिंकिंग लाइक जो सो

जब आओगे तो टोरंटो घूमना जहाँ भी आपको रहना है जहाँ भी आपका टारगेट है वहाँ घूमना देखना स्टडी करना देखो लोगों से मिलो और जहाँ पर अगर आपको कोई कोर्स वगैरह करना है उनसे वो भी जाके देख सकते हो अगर आपको कोई कोई रेस्टोरेंट में वगैरह में कोई जॉब देने का कोई सिलसिला अगर होता है तो वो भी जाके मिल, मिलोगे लेकिन मेरा मेरी हिदायत सिर्फ इतनी है अगर आप नाइन्टी डेज़ के लिए आ रहे हो तो विजिट करने के बाद आप मुड़ के वापस स्पेन जाओ जो करना है प्रॉपर वहाँ से करना है यहाँ पर आके कोई चक्कर नहीं करना कि यहाँ के कन्वर्ट कर लें कर लें वो वापस नहीं जाएँ बॉर्डर पर जाके कुछ कर लें वो सब जो मसले हैं ना वो एक मुकम्मल एक तरीका नहीं है सही करने का कई लोग करते हैं कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं कई लोग नहीं होते पर दैट इज़ नॉट द वे आई प्रिफर एंड दैट इज़ नॉट द वे इमिग्रेशन दैट यू डू आपको अगर 90 डेज का अगर ई मिलता है आप आए यहाँ पर घूम खा के जाएँ थोड़ा दिमाग अपना क्लियरिफाई करें और फिर उसके बाद वापस स्पेन जाए और दोबारा

एल ये करने में दो तीन महीने का प्रोसेस मिनिमम लगता है अनलेस कोरोना वायरस करके शायद आजकल कर तो शायद लंबाई लगेगा मैं मैं हो सकता है जब वो ले भी नहीं रहे हों उस कैटेगरी का तो जब आप जॉब मिलेगी जब वो काम शुरू करेंगे देयर इज अ गैप ऑफ एट लीस्ट टू थ्री मंथ्स तो आपको यहाँ इतना लंबा रहने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर पैसा खर्च करोगे टूरिज्म तो उसके तो बाद तो

Uh, कब इसका वो कब सबब बनता है इसका कब संजोग बनता है कब जाने का अल्लाह <क्यारीजों> इसको जल्दी जल्दी खत्म करें मैं आपको सही uh, yeah. बताऊँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ मैं यहाँ पे एक और ना मेरे पास ऑलरेडी अपार्टमेंट आई वाज जस्ट बाइंग अनदर वन अपार्टमेंट एंड आई जस्ट गिव देम एन ऑफर एंड थैंक्स गॉड दे दिन रिस्पॉन्ड मी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड आई आई लाइक मेरे पैसे बच गए हैं so uh, like one, 20, 000, 20, 000 euro, I give them offers and they 140 उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया और मेरे पैसे बच गए नो ये सब कुछ होता है so, जो, जब भी आप मल्टीपल मतलब तो वीजा लो जिससे आप उधर से बाहर भी जा सकते हो क्योंकि इंडिया में आपको एक दिन का वीजा देते हैं हम आप उधर से बाहर नहीं जा सकते हर दूर से आप मल्टीपल वीजा लेको फिर हम अपना पंजाब घुमाए आपका पंजाब घुमाए

और uh, इंशाल्लाह तो मेरे सारे दोस्त हैं आपसे राशन कार्ड मांगते हैं पता नहीं क्या मांगते हैं तो इधर उनको हमने तीन दिन में वीजा दिया उसकी कॉस्ट आई है 15 18 per अच्छा। अच्छा। हमारे अच्छा। पे वो उन्होंने मुझे कोई भी सीखा यात्री कोई हमें कहता है भाई तो उसको भेजो और हम अपने भेजते हैं विदाउट एनी पॉइंट

करतारपुर से भी पहले की बात है कि जो आज से दो तीन साल पहले जो रेगुलर अः यू नो वीजा लेके सिर्फ करतारपुर से भी पहले जो घूम के आए थे और अभी भी जब आके मेरे को बताते हैं और उन अभी आंखों से उनके आँख से दे आर क्राइंग और बड़े इमोशनल होकर बताते हैं अपने जद्दी उसके कोई इधर घूम के आया कोई इधर घूम के आया कोई कह जी लाहौर जी अदशाही मॉल को देख कर आए जी फलाना जी अबाब खाधे जी असी

बंदो ने इतना प्यार दिया है मतलब बहुत सारे मेरे खुद रिलेटिव मतलब जानने वाले हैं सॉरी दोस्त हैं जो गए हैं तो ये एक मतलब वो उसकी मेहरबानी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान में इमरान खान का और आपके सिद्धू का जिन्होंने ये एक हिस्टोरिकल काम किया है सिद्धू भाई की इसमें बहुत ज्यादा मतलब उसकी जो है ना उसने हिम्मत की है आप दिखाया है सो इट्स नाइस टू गेट अस मोर क्लोजर ठीक है मैं मैं तो अपने आप को किस तरह रोके बैठा हूँ मैं तो जाने को अभी तैयार हूँ आज खुलता है कोरोना वायरस तो मैं कल जाने को तैयार हूँ और जाते जाते मैं आपको क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूँ यहाँ के, के आ, आ, हमारे जो सर्कल में मैं तो रहता हूँ एडमिटन यू कैन चेक ऑन गूगल हमारे यहाँ पर काफ़ी दोस्त जो है हम साए वहाँ पर यहाँ फ्रॉम पाकिस्तान कोई गुजराब से कोई लाहौर से कोई सम पीपल नो नो आई कपल नोल फ्राम फ्रॉम इस्लामाबाद तो मेरा तो उनसे उठना बैठना रोज का है और और उनसे बातचीत होती है जैसे कि रेगुलर लोगों से बातचीत होती है और कोई फ़र्क नहीं है पहली बात ये दूसरा मैं उनके कल्चर के बारे में और उनके जो उनके घर में जो मसले मसाइल हैं जो भी हर तरह के दे आर वेटी मच सेम एज एज इंडिया आल्सो दूसरा एक्चुअली मैं और मेरे जो, मेरे जो घर में जो हमारे सारे जो मेम्बर्स हैं हम लोग पाकिस्तानी ड्रामे के बहुत ही शौकीन हैं ए आर वाई डिजिटल आपका एक वो एक चैनल है एंड आई वॉच ऑन यूट्यूब और uh, एक एक चैनल आपका दो तीन चैनल एक हम चैनल है एक ए आर वाई है एक और है एक उर्दू चैनल है इसमें बहुत सारे हम लोग ड्रामे देखते हैं और मेरे पास एक एक स्केड्यूल बना हुआ है मेरे को पता है कौन सा ड्रामा कौन सा कब आना है सबा कमर के ड्रामे मैं बहुत देखता हूँ एक इकर अजीज है एक लड़की है उसके ड्रामे में आ रही है आजकल आ रहा है जो जूटी आ रहा है वो बहुत देखता हूँ और uh, मेरे टाइम टेबल में बना हुआ है कि आज ये ड्रामा कैलेंडर में लिखा हुआ आज ये ड्रामा आएगा इतने बजे मेरे देखना ही देखना है और इतना इतना मैं, इतना मैं मैं फिदा हूँ पाकिस्तानी ड्रामों के मैं समझता हूं कि मैं मैं समझता कि लोकल अखबार कभी छोड़ सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा ड्रामा नहीं छोड़ता और इतना 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 मेरे को उसमें इतना, इतना लुथ, लुथ है सो आई आई एम क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना <laughs> <laughs> मैं वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता सम टाइम आप मतलब कुछ यूज कर दो लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं तो वैसे मैं ज्यादातर मजा मुझे आता है यूट्यूब में ना बिजनेस वीडियो देखने का यूट्यूबर्स को देखने का मतलब ऐसा मैं ऐसी चीजें देखता रहता हूँ तो वैसे एक बार डिजिटल बहुत अच्छा है सारी इंडस्ट्री हम मेरी अगर इन पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू आई एम गोना लाइक मोर योर टाइम मेरी अगर अंदाजे में अगर हमारे इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई इंडस्ट्री या इंडिया में स्पेशली

ट entrain, में जो बॉलीवुड है and and, you know, and, you know, But, uh, मैं आपको जो और भी बाकी लोग देख रहे हैं इस, इस प्रोग्राम को जो स्पेशली जो पाकिस्तानी uh, ओरिजिन के हैं और पाकिस्तानी ड्रामा दिखते हैं तो उनको मैं बता दूं जो मेरे पसंदीदा जो ड्रामा है आजकल मैं देख रहा हूं उसका नाम है झूठी

जिसमें जिसमें एक काफी अच्छा वो है मतलब दिस इज अ फैमिली ड्रामा एक ना ना ने ने ने। एक वो वो आ रहा है एक और एक और वो देखता हूं मैं उसका जिसमें आ, आ, अभी वो अभी रिसेंटली खत्म हो गया है आ, उसमें वो थी एक आ, वो कहानी थी तीन तीन ब्रदर्स की कहानी थी जो अलग-अलग उसमें बनते हैं फॉरगेट दिस नेम एक्चुअली क्या नाम है इसका अभी I forgot the name. आ, मैं देख के देख के सर्च करके बताता हूँ क्या है

उसका एक ड्रामा आता था उसका नाम मुझे याद है वो भी बहुत अच्छा ड्रामे बनाता था और अभी हमारे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो उर्तुगल ड्रामा आ गया तुर्कश ड्रामा है इन, कम, तू, तू उर्दू, तुर्किश ड्रामा उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है वो टॉप टॉप में जा रहा है अभी उसको कुछ दिन ही हुए आए हुए उसमें पाकिस्तान इंडस्ट्री की देखने धचकियां मतलब उड़ा रही है ऐसे क्योंकि उसको इतना बंद लाइक कर रहे हैं इर्तुगल ड्रामा है

उसका उसका नाम है उसका एक और नाम है उसका नाम है ये ये दिल मेरा आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो उसमें भी बड़े एक्ट्रेस मेरे को पसंद है और uh, काफी कोई नाम मैं जानता नहीं लेकिन आई आई फॉलो देयर स्टोरी एंड यू नो इट्स इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई एम आई एम जस्ट लुकिंग विलिंग टू यू नो आई एम जस्ट desperately looking to go to karachi and then meet some of the people at least if i get a chance and it's it's my oh, why not whenever जैसे jaise aap jaise जैसे आपका कई लोग मेरे को कॉल करते हैं वो कहते हैं मेरा ख्वाब है जी मैं कनाडा जाऊं ये करूं वो करूं वो करूं मैं उनसे कहता हूं मेरा ख्वाब है मैं कराची जाके एक बार मिल के आऊं लोगों से व्हेनेवर यू वांट मोस्ट वेलकम सर पंजाब में आओ हमारे लिए प्लेजर होगा आपसे मिलना आपको दिखाना ये हमारी सेम ही कल्चर है सब कुछ सेम है इसी तरह दिल दिल के क्लोज होता है हम लोग एक दूसरे कल्चर समझे हमारा मैं जैसे भी आपकी पिक्चर देखता हूँ मैं समझता हूँ हमारे पंजाब से ज्यादा आपके पंजाब में अभी ज्यादा भी कल्चर है पंजाबी क्योंकि हमारे वो जो हल चलाते थे वो जो गिरजा होता था पंचायत होती थी खत्म हो गया हमारे वहां पे ना पंजाब एरिया में क्योंकि सब बंदे यूरोप में पैसा आ गया इतने बड़े घर हैं बंदा रहने वाला है कोई नहीं है मतलब वो थोड़ा हमारा कल्चर चेंज हो गया आपके इंडिया में अभी भी वो पुराना कल्चर है खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा कल्चर है अभी पंचायत वगैरह वो जो होते हैं सरपंच वगैरह ये वो सेटरा सेटरा, सेटरा। सो हमारे वहाँ पे वो तकरीबन खत्म हो रहा है जो भी थे बुजुर्ग वहाँ वो यूरोप में मूव हो गया है कुछ नहीं रहे पैसा बहुत ज्यादा आ गया है बंदों के पास टाइम नहीं है मतलब बहुत बहुत बड़े घर है रहने वाला कोई नहीं है

कोरोना वायरस खत्म हो तो सो आई विल ट्राई टू टू कम टू मीट यू ठीक है ठीक है चलो चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं चलो हां साहब जी थैंक यू लॉ